ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का मेरे चैनल भक्तिमय में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्रावण कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। ऋषिगण पूछते हैं, हे स्कंद कुमार, दरिद्र, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रु से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो? यदि आप कोई उपाय जानते हो तो उसे बतलाइए। स्कंद कुमार जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारणार्थ मैं आप लोगों को एक शुभदायक व्रत बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रतराज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उनको संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से अपने कष्टों के समानार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें? हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान ऋषिकेश ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलतनया पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा, मैंने कठोर दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक श्रावण कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवाधि देवेश्वरी, श्रावण की कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत्य से निपटकर मन में संकल्प करें कि
जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके उसके बाद भोजन ग्रहण करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के बाद सुंदर व्रत वाला मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अभाव में चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावे और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, चार भुजा वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है, हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे सूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञोपवित है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रौली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वार्तिनाशन देव, आपके निमित्त फल हैं। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को बनाकर भगवान को भोग लगावें। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनावें। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मण को दे दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ देवें। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों को करने की शक्ति न हो तो
अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें, प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न वस्त्रादि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव न हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने के व्रत को करें। यदि इतना भी न कर सके तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। श्रावण कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली ऐसी और भी कई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।